दिस इज वेयर दिस नाइट जर्नी बिगिंस, यहीं पे ये नाइट जर्नी स्टार्ट होती है। सो अभी थोड़ी देर पहले प्रोबेबली 8 बजे मैं सब पे आई वॉज हेयर बाई 8 एंड अब मुझे क्या करना है कि जो सम अप थे मेरे जो हैंड ओवर थे वो मैंने ले लिए हैं एंड इट्स मुझ पर बिलीव मत करो बट उस पर तो बिलीव कर सकते हो। इट्स 8:40 राइट नाउ एंड ऑल्सो यू कैन चेक इन द सिस्टम। ओवर्स कलेक्ट करने के बाद अभी ऐसा तो मेरा कोई काम नहीं है, थोड़े बहुत चेकिंग्स बचे हुए हैं। जब तक चेकिंग्स हो नहीं जाते तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो पहले चेकिंग्स हो जाते हैं उसके बाद आगे का प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। यूजर नेम विल बी गेस्ट वन स्मॉल लेटर्स, गेस्ट वन स्मॉल लेटर्स, पासवर्ड विल बी गेस्ट इन स्मॉल लेटर्स, गेस्ट वन एंड गेस्ट, यूजर नेम पासवर्ड। तो जब आता है डिनर का टाइम तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ मेरे प्यारे से किचन से। सो दिस इज़ माई प्रॉपर्टी किचन और बेसिकली यहीं से हमें खाना मिल गया। स्टाफ का फूड बना हुआ था, आप ऐसे भी फूड खा सकते हो। और भाई साहब मॉर्निंग की जो है तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ भर रखा है। तो ये ऐसे होती है हमारी मॉर्निंग की तैयारी। पान सिंह के नाम है ना, क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र यादव। ब्रजेंद्र यादव काफी लंबा चौड़ा नाम है, काफी अचंबे से मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये भाई साहब कर क्या रहे हैं। सो अब हमारे तो जो हमारे मील में है वो है 2 चपाती, क्योंकि तबीयत खराब है चावल नहीं खाऊंगा, थोड़े बहुत ये ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी, ये हमारे पास हलवा है इन डेजर्ट एंड सैलड में हमारे पास अनियन है, तो इसे ही खाते हैं। और ब्रांडिंग के नाम आप चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं, बैक टू वर्क अगेन। काफ़ी सारे प्रोसेसर्स होते हैं, कुछ 20-22 रिपोर्ट्स होती है जो बनानी है। स्टार्ट। सो गाइस फर्स्ट लेट मी शो यू द टाइम। टाइम हो रहा है 1:30 से आया, 1 बजे के साइकिल पे पहुंच चुका हूँ। सो ठंड है, सिस्टम पे बैठ के काम वाम तो चल ही रहा था अपना। तो अब ये टाइम है कि देख लो सारा सन्नाटा है, देख लो नाइट कुछ ऐसी होती है, सारा सन्नाटा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सारे गेस्ट अंदर हैं, ठीक है, सब कुछ ऑल ब्लैक ही होता है नाइट का टाइम। एंड लेट्स हैव सम चाय टू ड्रिंक। किचन के अंदर जा रहा हूँ, रख रखा है तो भाई ने अपने लिए ऑलरेडी चाय रख रखा है। इसमें चीनी है दोस्त? चीनी है? चलो इट्स टाइम फॉर टी। That's a tea and this is I am. वाह भाई क्या चाय बनाई है। तो इस चाय के साथ एक राउंड ले आते हैं, देख लेते हैं कि whether everything is all right or not. आपने कभी भी एक होटल को इस कंडीशन में देखा होगा? 1 बज रहे हैं, दिस इज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ होटल। भाई नाइट दिखा दूँ तो रात हो चुकी, और ये दिल्ली सोती नहीं है। इसकी मैं दिखाऊँ आपको, ट्रैफिक दिखाऊँ? आई सो द ट्रैफिक राइट नाउ, दिल्ली कभी सोती नहीं है। देखो सी, ये सामने ही रोड है, इट्स नेवर स्लीपिंग, नेवर भाई नेवर दे आर स्लीपिंग। एंड ये बाहर का हमारा एरिया है, एंड आई विल शो यू। तो जो हाउस कीपिंग वाले ने है ऑलरेडी पानी डाल दिया है, धो दिया एक्चुअली, साफ सफाई यू नो अटमोस्ट तो होती ही है। तो और दीपावली की लाइट्स अब तक एज इट इज़ लगी हुई है, कोई गेस्ट नहीं है, सिर्फ एक कार लगी हुई है। एंड दिस इज व्हाट नाइट लुक्स लाइक। व्लॉगिंग से तो बिल्कुल आउट ही होते चला जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल आउट होते चला जा रहा हूँ। अब तो मैंने तो बस ठान लिया है भाई, जो होगा बस दिखाना है आपने। और ये एक डिटेक्टर मशीन लगी हुई है, सो लेट्स एंजॉय द टी एंड यू एंजॉय द व्लॉग। इनफैक्ट 1 बजे से भी ज्यादा, 1:00 मिनट हो रहे हैं, यू नो मोर देन 1:10 समथिंग। और इस टाइम पे भी अपने काम को, आई वॉज जस्ट मेकिंग कैशियर रिपोर्ट, इस टाइम पे भी अपने काम को डेडिकेटेडली करने का मज़ा ही कुछ और अपना है। एंड इस टाइम पे आधी दुनिया तो सो चुकी होगी, एंड दिस टाइम वी आर वर्किंग, सो हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, हमेशा हार्ड वर्क करते रहना। वन और द अदर डे आपको जरूर आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा। लास्ट 3 डेज से मैं काफ़ी सिक था, और लास्ट डे तो मैं इतना सिक था कि मुझे यू नो ऑफ लेना पड़ गया। एंड आई एम मेकिंग वन थिंग, मतलब हर कुछ शेयर करना चाहता हूँ, लिटरली हर कुछ शेयर करता हूँ। बहुत बहुत सारी बाउंड्रीज होती है जो मेरे माइंड में चल रही होती है। एंड लिटरली फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स मैं व्लॉगिंग की दुनिया से काफ़ी गायब सा हो गया, द
गाय आई वॉज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड बीच में जो ये इम्पैक्ट आ रही है, इतने चेंजेस हो गए. मैं लिटरली पता है आपको हर कुछ दिखाना चाहता हूँ. मैं हर दो दिन तीन दिन पे रैंडम ब्लॉग्स लेके आऊँ. मैं ये चाहता हूँ पर डे तो ना लाऊं पर हर दो तीन दिन पे कुछ कंटेंट जमा करूँ और लाऊं और दिखाऊं जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में. अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्लोली स्लोली, आई एम यू नो ग्रोइंग स्लोली स्लोली, मेरी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं मैं वो दिखाना चाहता हूँ. डजेंट मैटर मेरा चैनल आगे जाए या पीछे हो, जो भी हो. एंड कंसिस्टेंसी द की टू सक्सेस. कंसिस्टेंट रहूँगा तो एक दिन लोग मुझे भी लाइक करेंगे और यू नो आप सबका सपोर्ट जरूर मिलेगा. तो क्योंकि कोई भी मेरे चैनल के एनालिटिक्स को देखता है तो वो कहता है इट्स गुड कीप ऑन वर्किंग, बट उनको नहीं पता कि मैंने काफ़ी दो तीन महीनों से काफ़ी मैं यू नो फ्रीक्वेंट सा हो गया हूँ. आई एम सो सॉरी, मतलब दो तीन महीनों से काफ़ी मतलब लूज सा पड़ गया हूँ, बट नॉट एनी मोर. मैं हर तीसरे से चौथे दिन ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगा और जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है. ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है एंड जस्ट कीप शेयरिंग इट. सो आई प्रॉमिस आई विल कीप शेयरिंग. अभी टाइम जो भी हो गया है, काम हो गया है, ऑलमोस्ट डन, जो भी होता है उसको रैप अप करके. और भी बहुत सारी रिपोर्टें हैं, ये जो मैंने टिक लगा रखी है रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है. मैंने ऑलरेडी ये ऑडिट जिसको बोलते हैं बेसिकली जो नाइट प्रोसेस होता है वो मार दिया है. आप यहाँ देखोगे तो डे 29 ऑलरेडी शो कर रहा है और आज के एक्सपेक्टेड अराइवल और सब कुछ दिखा रहे हैं. कल का सारा सीन जो बीता हुआ 28 था उसका सारा सीन खत्म. नॉट मेकिंग इट मोर बिगर, जो काम था समेट लिया है. अब थोड़ी देर जो है हम भी रेस्ट ले सकते हैं. इट्स नॉट दैट कि क्योंकि नाइट का टाइम ही देख लो मोर देन 1:10 हो रहा है. टाइम ही ऐसा है कि अगर आप रेस्ट ना लो तो बॉडी विल यू नो आपकी बॉडी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं. मैंने भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं. सो यस, दीपावली अच्छी रही सबकी, आप लोगों की भी अच्छी हो और आगे देखते हैं क्या कुछ हो सकता है. अब व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है और मैं कहाँ रह गया अब मुझे नहीं पता. आई एम सो सॉरी, आई विल बी बैक अगेन ऑन माई ट्रैक. गुड मॉर्निंग माई लवली पीपल. सो हो चुका है मॉर्निंग इस वाले व्लॉग का. मॉर्निंग ऐसा हुआ है कि 5 बज गए हैं सुबह के और अभी जस्ट मैंने गेस्ट को वेकअप कॉल दिया है, 4:45 का था. नाउ आई एम बैक टू वर्क और जो लिस्ट में बचे हुए हमारे जो रिपोर्ट्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, वो अब मुझे बनाने हैं. तो वो बनाता हूँ, कुछ रिपोर्ट जीएम को सेंड करने होते हैं तो वो सब करता हूँ. सो यही कुछ टाइमिंग था. अभी जो मैंने आपको 1, 10 या 15 के बाद जो भी वीडियो दिखाया होगा उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट लिया. एंड इतना रेस्ट तो बनता है 2-3 घंटे, वरना ज़्यादा भी यू नो टाइम मिले तो रेस्ट, वी शुड टेक रेस्ट राइट. ऐसा नहीं कि रातें बिल्कुल नहीं है. हाँ, अगर बहुत ज़्यादा काम है तो ऐसा भी होता है कि नहीं भी सोते, बट इफ यू गेट टाइम, टाइम टू टाइम आपको हैबिट बन जाएगी तो थोड़ा रेस्ट लेना तो बनता है, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी. सो हाँ, अवेयर अलर्ट होकर सोना पड़ता है. ऐसा ना कि मतलब यू नो पूरा एकदम ऐसा डीप स्लीप में चला गया, नथिंग, नहीं, पूरा अवेयर होकर सोना पड़ता है. एक छोटी सी नॉइज एंड वी विल हैव टू वेक अप. तो आज तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, होता तो मैं जरूर रिकॉर्ड करके दिखा था. इस टाइम इसलिए रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट 4:45 पे मैंने एक वेकअप कॉल दिया है. सो नाउ मैनी ऑफ थिंग्स आर डन, आगे का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं. एंड फ्रेश होने के लिए मैं थोड़ा पानी पीना चाहूँगा, आई हैव सम वाटर एंड थोड़ा माउथ फ्रेश भी यूज़ कर लूँगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने रेस्ट ले लिया. आई नो सोलो वीडियो सबको थोड़ी बोरिंग लगती होगी, बने रहो चैनल पे, बस जैसे बने हो वैसे बने रहो. एक टाइम आएगा कि मेरे साथ भी कोई पार्टनर होगी या होगा, डोंट नो. आई मीन टू से कि होगी मीन्स मेरी दी जब भी होगी, और होगा मीन्स कि क्यों मुझे कोलैब के लिए पार्टनर मिल जाए. राइट नाउ कुछ फ्रेशनर लेता हूँ, बाहर देख लो मॉर्निंग की दिखा दूँ सिनेरियो तो पूरी ब्लैक है. चलो कुछ फ्रेशनर ले लेते हैं एंड देन उसके डेकोरेशन को मैं बिगाड़ना नहीं चाहूँगा. इट्स ऑलमोस्ट मॉर्निंग हो चुका है और देख लो दिल्ली कभी सोती ही नहीं है, कभी नहीं सोती. तो अभी जस्ट हम एक गेस्ट को सी ऑफ करने आए थे, ठीक है, ही इज़ जस्ट गोइंग. तो हमारे ही कैब से जा रहे हैं तो इफ़ यू कैन सी कैब वहाँ लगी हुई है, कैन नॉट डिस्क्लोज मोर. तो गेस्ट जो है वो निकल रहे हैं एंड दिस इज़ वॉट मॉर्निंग लुक लाइक. चलो बैक टू वर्क एंड गुड मॉर्निंग. Raja Kumari, go harder than anyone.
फाइनली एंड ऑफ द शिफ्ट और कपड़े वपड़े चेंज करके निकल रहा हूँ। 8:30-9 बज गए, कल रात का 8 का आया बजे, अभी 9 बजे निकल रहा हूँ।